आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स की बुक पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट एंड की स्थानीय सरकार क्या होती है। ठीक है, जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, आपने ये भी उसमें पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पर भी होती है एंड लोकल लेवल पर भी होती है। सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो कंप्लीट नेशन को संभालती है, स्टेट लेवल पे जो होती है वो एक स्टेट को संभालती है, और जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो किसी विलेज को, टाउन को या फिर किसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करती है, संभालती है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक जगह पर रहकर सारे स्टेट्स को नहीं देख सकती, सारे स्टेट्स का काम एक साथ नहीं कर सकती, है ना। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी एक स्टेट के अंदर जितने भी टाउन है, एक स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सब डिस्ट्रिक्ट है, उन सभी पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रूल नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट जो वो हेड होती है एंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं एक स्टेट में, जैसे कि हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है किसी भी स्टेट में, उन सभी में लोकल गवर्नमेंट अपॉइंट की जाती हैं पंचायत के रूप में। ठीक है, एंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए एंड हमें भी इनकरेजमेंट मिले आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आने के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, जिसमें हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पंचायती राज के बारे में। पंचायत तो आपने सुना ही होगा, आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो गांव में जाते होंगे, अपने विलेज में जाते होंगे गर्मी की छुट्टियों में, या फिर बहुत से ऐसे भी होंगे जो विलेज में ही रहते होंगे, है ना। तो विलेज में क्या होता है, पंचायत होती है एंड पंचायत का जो हेड होता है उन्हें पंच कहा जाता है। ठीक है, 5 लोग जो है वो हेड होते हैं पंचायत के, इसलिए उनको पंच कहा जाता है एंड वो मिलकर फैसला लेते हैं, डिस्कशन करके ये फैसला लेते हैं कि क्या सही है एंड क्या गलत है। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ेंगे एक विलेज के बारे में जिसका नाम था हरदास विलेज। ठीक है, हरदास विलेज के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो ग्राम सभा थी वो पहली मीटिंग स्टार्ट करने जा रही थी इलेक्शन के बाद। ठीक है, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे एंड उसके बाद जो ग्राम सभा थी वो अपनी फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करने जा रही थी, सभी लोग वहाँ पर जा रहे थे मीटिंग में। गांव में क्या होता है, जैसे शहर में तो लोग नहीं जाते मीटिंग में, सिर्फ जो MLAs होते हैं और जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं सिर्फ वही मीटिंग करते हैं। बट विलेजेस में क्या होता है, सरपंच के अलावा जो 5 मेंबर्स होते हैं पंचायत के वो एंड जो लोग हैं विलेज के वो भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, विलेजेस में पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है एंड वहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल नहीं होता वहाँ के लोगों का जैसे शहरों में होता है, है ना। बट जो शहर हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर हम ऐसे नहीं जा सकते मीटिंग में, MLAs की मीटिंग में। तो इससे अलग जो ग्राम सभा है या फिर जो गांव में पंचायत होती है उसमें जब मीटिंग होती है तो जो लोकल पीपल हैं, जो विलेजर्स हैं, वो भी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ग्राम सभा मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, कहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी, पंचायत के जो ग्राम सभा मीटिंग थी, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट की मीटिंग थी, ठीक है, पंचायत जिसे कहा जाता था, वो स्टार्ट की जाने वाली थी सरपंच के द्वारा। सरपंच कौन होते हैं, पंचायत के जो हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, पंचायत का जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहा जाता है एंड जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं टोटल जिन्हें पंच कहा जाता है, ठीक है, वो प्रेजेंट करने वाले थे एक प्लान रोड को रिपेयर करने से रिलेटेड एंड विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट करने से रिलेटेड प्लान्स के ऊपर डिस्कशन होने वाला था। तो लोग काफ़ी एक्साइटेड होकर जा रहे थे क्योंकि वो फर्स्ट मीटिंग थी आफ्टर द इलेक्शन। ठीक है, इसके अलावा जो वो जो मीटिंग थी उसमें एक और डिस्कशन होने वाला था जो कि था
वाटर शॉर्टेज के ऊपर कि पानी की कमी कितनी ज़्यादा हो गई। आपको पता है कि विलेजेस में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है, तो उसी पर बातचीत होने वाली थी। अब देखिए इस बॉक्स में दिया गया है ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा जो है वो एक मीटिंग होती है जिसमें सारे एडल्ट लोग, चाहे वो 18 साल के हो चाहे उससे ऊपर एज के हो, वो जाते हैं पंचायत की मीटिंग में। ठीक है, इसी को ग्राम सभा कहा जाता है। आगे बात समझ में। जितने भी विलेज की पंचायत होती है वो डिवाइड होती है वार्ड्स में। ठीक है, पंचायत जो है हर विलेज में जो पंचायत होती है, ठीक है, वो वार्ड्स में डिवाइडेड होती है, जिसको स्मॉलर एरिया के अकॉर्डिंग विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। छोटे छोटे एरियाज होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है एंड उनको वार्ड्स कहा जाता है। हर वार्ड जो है वो इलेक्ट करता है एक रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, जो कि वार्ड का मेंबर बनता है, पंच बनता है। ठीक है, पंच जो है इसका मतलब पांच होता है एंड पंचायत जो है उसमें पांच मेंबर्स होते हैं जो कि हेड होते हैं एंड एक चेयरमैन होता है, मतलब कि एक अध्यक्ष होता है जिसको सरपंच कहा जाता है। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, ठीक है, वो इलेक्ट करते हैं सरपंच को। ठीक है, ग्राम सभा के सभी मेंबर्स सरपंच को इलेक्ट करते हैं, जिसको पंचायत का प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। जो द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किसको किसको मिलाकर बनती है? ग्राम पंचायत बनती है पंच और सरपंच को मिलाकर। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है ये 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, लाइक लोकसभा। जैसे लोकसभा 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, वैसे ही ग्राम पंचायत भी 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। एंड ग्राम पंचायत में कौन कौन इंक्लूड होता है? ग्राम पंचायत में इंक्लूड होते हैं पंच एंड सरपंच। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट एक स्टोरी दी गई है, ठीक है, कि कैसे कैसे वो डिस्कशन करते हैं, वोटर प्रॉब्लम से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। वो बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है, पानी की कमी है ना, एंड हैंडपम्प जो है वो भी इतना पानी नहीं दे पा गया है। हैंडपम्प के आगे लंबी लंबी लाइन लग जाती है लोगों की पानी को लेकर, जिससे कई बार लड़ाई भी होने लग जाती है ना। एंड टैप वाटर जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। टैप वाटर यानी कि जैसे जो शहर होते हैं, सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे टैप वाटर आता है। ठीक है, टैप कौन करते हैं, पानी आ जाता है किसी भी टाइम, बट विलेजेस में हैंडपम्प से लेना पड़ता है। ठीक है, टैप वाटर तो वहाँ के लोगों का एक सपना बन गया है कि टैप वाटर से वो पानी ले। एंड वीमेन जो है उनको 3-3 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है सुगू रिवर से पानी लेने के लिए। तो इसमें वो बस ये चर्चा करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत जो कि 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, वो रेगुलरली मिलती रहती है। ठीक है, अलग अलग कामों को करने का उसका कर्तव्य है, जैसे कि ये सुनिश्चित करना कि विलेज जो है या फिर जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं वो कंप्लीट हो सके, फुलफिल हो सके, है ना। तो ये मेन काम, कोई भी डिस्प्यूट को भी सॉल्व करना कि लोगों को हाई कोर्ट तक ना जाना पड़े, तो ये सब ग्राम पंचायत का ही काम होता है मेनली। ठीक है, आपने टीवी में भी देखा होगा कि पंचायत कैसे काम करती है ना, तो उस तरह से करती है। ग्राम पंचायत जो है वो रेगुलरली मिलती है। ठीक है, इसका मेन टास्क होता है, मेन काम जो है इसका, वो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना हर विलेज में जो भी उनके अंडर आते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है उसको अपने काम को पहले अप्रूव करवाना पड़ता है ग्राम सभा से। ठीक है, ग्राम पंचायत कुछ भी तभी कर सकती है जब वो अप्रूव किया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा। जैसे जो आपने देखा होगा, जैसे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कुछ भी करने से पहले, कोई भी कानून बनाने से पहले प्रेसिडेंट से अप्रूव करवाते हैं। सेम इन द सेंस ग्राम पंचायत कुछ भी काम करने से पहले किससे अप्रूव करवाते हैं? ग्राम सभा से। ओके, कुछ स्टेट हैं जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जो ग्राम सभा है वो कमिटीज़ बनाती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमिटीज़ है ना, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाती हैं। इन कमिटीज़ में जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा के ही मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एंड जो ग्राम पंचायत है उसके मेंबर्स भी इन कमिटीज़ के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राम पंचायत का वर्क, यानी कि ग्राम पंचायत का काम क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन करना एंड मेंटेनेंस करना, वाटर सोर्सेस का, रोड जो सड़क है उनका, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस करना, ड्रेनेज का, स्कूल बिल्डिंग का, ठीक है, इन सब का। इसके अलावा टैक्सेस को कलेक्ट करने का काम या फिर नए टैक्सेस लगाने का काम ये भी पंचायत ही करती है। ठीक है,
एग्जीक्यूट करना गवर्नमेंट की स्कीम्स को, जैसे गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना चलाई थी है ना, तो उन सबको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ग्राम पंचायत करवाती है। ऑल राइट, ठीक है। अब देखो सोर्सेस क्या है पंचायत के, उनको फंड यानी कि पैसे कहाँ से मिलते हैं जो पंचायत होती है, कलेक्शन करते हैं वो टैक्सेस का, ठीक है। टैक्स किस पे लगाते हैं, हाउस के ऊपर, घरों के ऊपर, मार्केट प्लेसेस के ऊपर, तो इनसे इनके ऊपर वो जो टैक्स लगाते हैं उससे जो पैसा आता है वो इनका सोर्स होता है फंड का, ठीक है। डोनेशन मिलता है इनको कम्युनिटी वर्क करने के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको डोनेशन देती है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, मतलब कि ये रिसीव करते हैं पैसे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से इनको फंड रिसीव कर पाते हैं, इस तरह से इनको मनी मिलती है। अब देखिए ये एक महिला है, ठीक है, महाराष्ट्र की, जिनको निर्मल ग्राम पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया था, ठीक है। पहली महिला थी, पंच थी ये भी एक, ठीक है, जिनको कि कौन सा अवार्ड मिला था, निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पंचायत में, ठीक है, इस वजह से ये एक पंच थी। अब देखिए इसमें आप पढ़ेंगे 3 लेवल ऑफ पंचायत, पंचायत जो है उसके भी 3 लेवल होते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड लोकल लेवल, वैसे पंचायत जो है उसके भी 3 लेवल होते हैं, ठीक है। देखिए जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, वो उसके 3 लेवल्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। इसको पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं, ठीक है। पीपल पार्टिसिपेट टू चूज दियर ओन गवर्नमेंट, ठीक है, एंड वो अपनी गवर्नमेंट को भी चुनते हैं, मतलब कि पंच जो लोग हैं, ठीक है, सरपंच और पंच को इलेक्ट करने का काम, जो सरपंच है उनको पंच इलेक्ट करते हैं, एंड जो पंच हैं पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करने का काम किसका होता है, उनको इलेक्ट करने का काम लोगों का होता है, एंड लोग जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोग भी इन मीटिंग्स को अटेंड करने जाते हैं, ठीक है। अब जो रूरल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो ग्राम पंचायत होती है वो 3 लेवल पर होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टायर लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पंच एंड ग्राम पंचायत आर आंसरेबल, मतलब कि जो पंच और ग्राम पंचायत होती है ये अकाउंटेबल और आंसरेबल होती है, जवाबदेह होती है ग्राम सभा की के लिए, ठीक है। ग्राम सभा चाहे तो पूछ सकती है इनसे कि इन्होंने अपना काम क्यों नहीं किया सही ढंग से, ठीक है। एंड वो ग्राम सभा के मेंबर्स जो हैं उनके प्रति भी आंसरेबल होते हैं क्योंकि उन्होंने ही उनको इलेक्ट किया, ठीक है। ये जो आइडिया है पार्टिसिपेशन का, लोगों की पार्टिसिपेशन का पंचायती राज सिस्टम में, ये कई ये 2 लेवल पर एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। पहला है जनपद पंचायत और दूसरा पंचायत समिति। लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं पंचायती राज सिस्टम में उसको 2 लेवल पे एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। पहला है ब्लॉक लेवल पे, जिसको जनपद पंचायत बोलते हैं या फिर पंचायत समिति बोलते हैं। पंचायत समिति जो है इसमें बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है इसके अंडर, ठीक है, एंड पंचायत समिति से ऊपर होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसको जिला परिषद भी बोलते हैं, ठीक है। पंचायत समिति हो गया और दूसरा जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। जिला परिषद जो है ये डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट है उनको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सब डिस्ट्रिक्ट में, तो कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद होती है यानी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, एंड जो सब डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें होती है पंचायत समिति। आगे बात समझ में, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इनका काम होता है डेवलपमेंट प्लान्स का एग्जीक्यूट करना, ठीक है। पंचायत समिति की मदद से रेगुलेट करते हैं मनी डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग पंचायतों के पास, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई गाइडलाइंस के अंडर ही काम करते हैं, उनसे ऊपर कुछ भी काम नहीं करते। तो ये हमारा चैप्टर था, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू।